कुछ समझ न आया तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। कहीं से वह यह अनुभूति पा गई है और कह रही है कि उसे कोई खूबसूरत लड़का दे गया है। इस विचार के साथ कि उनकी बेटी बदौरा की मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई है, उन्होंने अपनी बेटी को सोने की जंजीरों से बंधवा कर दूसरी काल कोठरी में डाल दिया। साथ ही इस बात का भी ऐलान करा दिया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। साथ ही उसे अपने राज्य का नया राजा भी घोषित करूंगा। इसके साथ ही बादशाह ने एक शर्त भी रख दी कि उसकी बेटी को ठीक करने का दावा करने वाला अगर असफल रहा तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कई हकीम शहजादी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन शहजादी को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण बादशाह ने ऐलान के अनुसार उन्हें मौत की सजा दे दी। तभी एक दिन शहजादी का मोहबोला भाई मर्जुबन दूसरे देश से चीन लौटा। वहां पहुंचते ही उसे शहजादी बदौरा के बारे में पता चला। वो तुरंत लड़की का भेष बनाकर किसी तरह से उस काल कोठरी में पहुंच गया। उसने शहजादी के पास जाकर कहा कि मैं लड़की के भेष में मर्जुबन हूँ। हम दोनों ने बचपन में एक ही माँ का दूध पिया था, इस नाते तुम मेरी बहन हो और हम दोनों एक साथ खूब खेले हैं, तो तुम मेरी दोस्त भी हुई, इसलिए मुझे बताओ आखिर हकीकत।